दोस्तों, वेलकम टू टेक इन्फो विद आदित्य। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप गूगल ड्राइव से किस तरीके से पीडीएफ बना सकते हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन था वो डाटा ज़्यादा यूज करता था। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन लाया हूँ जिससे आप पीडीएफ तो बना सकते हैं लेकिन वो कम डाटा यूज़ करेगा। तो मेरी पूरी वीडियो को आप पूरी एंड तक देखिएगा जिससे आप लोग को मेरी पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था जिसको आप लोग को डाउनलोड करना था। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को उस एप्लीकेशन को खोलना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज टू पीडीएफ लिखा होगा ऊपर में। आप लोग उसके जब सामने देखेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग को 3 डॉट पर क्लिक नहीं करना है। उसके बगल के बगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का एक फाइल की तरह का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को उस पर क्लिक करना है। जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग को जिस इमेज का मतलब सेलेक्ट करना है, मतलब जिसका आपको वीडियो बनाना है, आप लोग उस इमेज का वीडियो बना सकते हैं। अगर आप लोग को अभी फ़ोटो क्लिक करना है तो आप लोग कोने में आप लोग कैमरा का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं और फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ से क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग को और इमेज ऐड करना है तो आप लोग कैमरे पे ऐड करके और इमेज भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को 2 फ़ोटो दिखाता हूँ करके। तो दोस्तों, आप लोग जिस फ़ोटो का भी क्लिक किए हैं आप लोग को यहाँ से जाके उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ कोने में देख सकते हैं डन लिखा होगा, आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा होगा कन्वर्ट टू पीडीएफ। तो आप लोग कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग को इधर ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग को अपने हिसाब से जो एडिट करना है आप लोग एडिट कर सकते हैं। अब जब आप लोग कंप्लीट एडिट कर लेंगे तो उसके बाद जो आपका पीडीएफ है वो बन जाएगा जब आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं जो आपका पीडीएफ वो कंप्लीट हो गया। आप लोग को दिखा देता हूँ मेरा पीडीएफ जो था वो कितनी बढ़िया तरीके से और बहुत ही अच्छे से बनाया। देख सकते हैं कितना बढ़िया पीडीएफ बनाया है मेरा। तो दोस्तों, हम मैं इस एप्लीकेशन की खासियत बताने चाहता हूँ कि जो इस एप्लीकेशन के द्वारा जब आप लोग पीडीएफ बनाएंगे तो जो पीडीएफ बनेगा इस एप्लीकेशन को आप बिना नेट के भी चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिना नेट के। बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, इसीलिए मैंने इस एप्लीकेशन को आप लोग के लिए बताया। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करिए जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।